जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने चलाई एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, लोगों के दुकानों के बाहर से स्कूटर, मोटरसाइकिल, टायर, हेलमेट उठाए। श्रीनगर के शिवपोरा इलाके में लोगों ने किया प्रदर्शन, नई शराब की दुकान को लेकर जताया विरोध। ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज एसोसिएशन पिछले 197 दिनों से प्रदर्शन पर, मांग जल्द से जल्द ट्रांसफर पॉलिसी की जाए तैयार। डीडीसी मेंबर और आम आदमी पार्टी के लीडर तरनजीत सिंह टोनी ने की प्रेस वार्ता, बोले गुलाम नबी आजाद ने कहा कि लिस्ट है आतंकियों से संबंध रखने वाले नेताओं की, सेंटर से कार्रवाई की जाए। सांबा पुलिस ने 2 नशे तस्करों को किया गिरफ्तार, 8.5 ग्राम चिट्टा बरामद। आज सुबह उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिला के तुकरनादी तुकरपोरा गांव में एक सरकारी मिडिल स्कूल में भीषण आग। उपायुक्त अनंतनाग के निर्देश पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को जारी रखते हुए राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने कोकरनाग की लारनू तहसील में लगभग आधा दर्जन अवैध ढांचों को गिराया। भगवती नगर से केनाल हेड तक सड़क के चौड़ीकरण के काम के लिए चलाया पीला पंचा। वन्य जीव टीम गांदरबल ने गांदरबल जिला के चाथन गुलाबपोरा लाड़ क्षेत्र से शाही को बचाया। श्रीनगर में आग लगने की घटना से 1,00,000 से ज्यादा किताबें जलकर राख, श्रीनगर के रीगल लेन स्थित ममता बुक डिपो में सोमवार रात लगी थी आग। राज्यसभा में नित्यानंद राय बोले घाटी में 3 वर्षों के भीतर 9 कश्मीरी हिंदू मारे गए, इनमें से 8 कश्मीरी पंडित। राजौरी के मुरादपुर में संगीत दिख जाने के बाद तलाशी अभियान, सेना और पुलिस ने छाना चप्पा चप्पा। विकार रसूल बोले भाजपा आरएसएस के इशारों पर मनगढ़ंत आरोप लगा रही है आजाद। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे दिग्विजय सिंह, जम्मू कश्मीर में यात्रा का अंतिम चरण। प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत 2600 से अधिक कश्मीरी प्रवासियों को मिली सरकारी नौकरी, 6000 ट्रांजिट आवास के निर्माण को मंजूरी। लोकसभा में भी गूंजा बिहार में जहरीली शराब के मौत का मुद्दा, सारण में 17 लोगों की हुई है मौत। चीन मुद्दे पर विपक्ष का लोकसभा में फिर हंगामा, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस सांसदों का वॉकआउट। चीन से सीमा विवाद पर सरकार के बयान से शशि थरूर असंतुष्ट, बोले बगैर स्पष्टीकरण के छोटा सा बयान। सोशल मीडिया के जरिए आतंक फैलाने की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान।